जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके करीब करीब 27 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। देखिए, यहाँ पर कार्बन डेटिंग की बात हो रही है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण हेतु ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर में पाया जाता है? सेलुलोस। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लीवर फ्लीवक पित्त वाहिनी में रहता है। भेड़ की। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्त्राव है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाख। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धान के खेत से निकलने वाली गैस है, धान से निकलने वाली गैस है मीथेन गैस। ए वाला जो सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धान के पौधे उगाने की डैपांग विधि विकसित हुई थी। तो जो ये विधि है चीन में विकसित हुई थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? रत्ना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटवच्छी मछली है। ऑप्शन सी जो है आपका गैम्बूसिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्सुआ फिश। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, कुट्टू का आटा जो प्राप्त होता है फैगोपायरम से प्राप्त होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वतिकाग्र, स्टिग्मा। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सॉरी पत्ती। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, धान के खेत से निकलने वाली गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय उपर्जित असंक्रमता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी क्रिया श्वेत बाष्पण से संबंधित है? ऊष्मा शोधक क्रिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां ये नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती हैं,
पार्क में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकांड्रिया, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंत कोशिकीय पाचन में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन का भौतिक आधार है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूत्री विभाजन निर्भर करता है समय पर, तापक्रम पर, तो ए व बी दोनों पर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण यह कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए ओवल हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया वाटसन तथा किक ने, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंत प्रदीप्त जालक की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पोर्टर ने, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल तथा रास्का ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ये क्या कहलाती है? सो गाइज, ये कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड इन टी1। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं की का घना जाल, ये क्या कहलाता है? सो गाइस, ये जाल कहलाता है अंत प्रद्रव्य जालिका, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये निभाता है एंडोलॉजिम रेटिकुलम एडम राइबोसोम। अगला हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार सभी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, कोशिका की आत्महत्या की थैली ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लाइसोसोम, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैक्सले का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकांड्रिया ये किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये अनुपस्थित होता है जीवाणु में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगरक्त प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकांड्रिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइटोकांड्रिया की भीतरी वलन ये क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है क्रिस्ट्री। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज ब्राउन के द्वारा की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका कोशिका भित्ति, लवक और वृत्तिकाएं, ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? इसका प्रमुख कार्य है स्त्रावण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस, किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? सुगा, इसे कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने इसके करीब करीब 26 से 27 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।